बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेजिटेबल बिरयानी पुलाव बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, इसे हम दरदरा पीस लेंगे, गाजर, बटाटा, शिमला मिर्च, मटर, बटाटा, कांदा, फूलगोभी, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और खड़ा गरम मसाला, ये चाट मसाला है, ये मिक्स वेजिटेबल मसाला और एक कप छाछ। हमने हरी मिर्च दरदरा पीस लिया है, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन तेल गरम करके उसमें खड़ा मसाला डाल के भुनेंगे। दो कांदा बारीक काट कर लाल करेंगे हम। हल्का गुलाबी हो जाए तो इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कुटी हुई डालना है और अच्छे से मसाला भून लीजिए। लहसुन का कच्चापन निकल जाना चाहिए। ये देखिए मसाले से तेल अलग हो गया। इसमें हम मटर डालेंगे अभी और भूनेंगे पर एक मिनट के लिए। ये उबले हुए मटर नहीं है तो सबसे पहले मटर डालेंगे, फिर फूलगोभी, इसको अच्छी तरह से हमने पहले धो लिया है, इसको भी डालकर भून लीजिए। सब अच्छी तरह से मिक्स करके इसको ढककर दो मिनट तक पकने दीजिए। दो मिनट के बाद सब मिक्स करके बाकी की सब्ज़ी मिलाएंगे और इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे। आप इसमें फुंसी भी मिला सकते हो, अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी मिला सकते हो इसमें। इसे अच्छे से भून लो। हमने इसमें छाछ मिला दी है। अच्छे से मिक्स करके ढक के दो मिनट तक पकने दें। दो मिनट के बाद वापस एक बार चम्मच चला लें। नींबू का रस, ये मिक्स वेजिटेबल मसाला हम मिला रहे हैं। चाट मसाला आधी चम्मच, इसे भी मिक्स कर दीजिए। अच्छे से भून लीजिए मसाले में। इसमें नमक मिलाइए। इसमें नमक चावल के हिस्से का भी मिलाना है, हमें चावल डालना है उसके लिए भी नमक साथ में मिला लीजिए ताकि सब्ज़ी में अच्छी तरह से मिल जाए। ये चावल हमने धो के आधे घंटे पहले भिगा के रखे थे, वो चावल भी डाल दीजिए। पौना किलो सब्ज़ी, पौना किलो चावल है, सब मिला के सब्ज़ी पौना किलो है और चावल भी हमने पौना किलो लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके दो मिनट के लिए ढक दें और पकने दें। दो मिनट के बाद सब चलाकर अच्छे से ऊपर नीचे कर दीजिए और पानी मिला दीजिए। इसमें पानी हमने 1.5 लीटर मिलाया है। चावल डालने के बाद 1 इंच ऊपर पानी रहे इतना पानी हमें डालना है, तो इस हिसाब से आप डाल दीजिए।
और अच्छे से मिक्स करके इसको ढक के 10 मिनट तक पकने दीजिए। हमने मीडियम गैस रखा है, फास्ट भी नहीं है स्लो भी नहीं है, मीडियम पे रखना है हमें। पानी थोड़ा बहुत सोख जाएगा उसके बाद एक बार पूरा हिलाकर ठीक बीच में एक चम्मच हम घी रख देंगे। इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह रख दीजिए और ढक्कन बंद करके पकने दीजिए। पानी सूखने तक इसको पकने दें। वज़न रख देंगे हम तो बाहर नहीं आएगी। ये देखिए पानी सूख चुका है, इतना ही पानी सूखने देना है। अब एक बार चावल टूटे ना इस तरह से, चारों ओर से एक एक बार चम्मच घुमाकर हमें सब्जी और चावल को ऊपर नीचे कर लेना है। हमने गैस एकदम स्लो कर दिया है और 10 मिनट पकने दें इसको। 10 मिनट के बाद इसको उतार कर नीचे हमने तवा रख दिया है और इसको दम पे और 10 मिनट पकने देंगे। वज़न रख दीजिए। अब साइड में हम तड़का तैयार कर रहे हैं। ये जो बादाम है उसके हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं, काजू के भी 2 टुकड़े कर लिए हैं और कुछ द्राक्ष है। ये देखिए अब एक बाउल में घी गरम करके हम ये ड्राई फ्रूट डाल देंगे और थोड़ा और गरम करेंगे। द्राक्ष फूलने तक हमें इसको गरम करना है। ये तड़का तैयार है। हम बिरयानी पे इस तरह डालकर ढक देंगे और इसको 10 मिनट तक दम होने देंगे। ये छाछ है, ये छाछ का मसाला हमने डाल दिया। अगर आपको छाछ का मसाला सीखना है कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम बनाकर बताएंगे। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।